हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कलसी एस्टेट। माय नेम इज कलसी। आई एम ए फादर ऑफ ए वंडरफुल सन, हस्बैंड ऑफ ए केयरिंग वुमेन। आई एम इन टू इंडस्ट्री फ्रॉम लास्ट 26 इयर्स एंड आई टेक माय जॉब एज सर्विंग रादर देन सेलिंग एंड आई लव गिविंग प्लेंटी ऑफ एडवाइस इन रियल एस्टेट। तो दोस्तों, आज के प्रेजेंटेशन में आप देखेंगे कल्पत्रु पैरामाउंट नियर खापुर बावड़ी एट थाने वेस्ट। सो लेट्स बिगिन विद द प्रेजेंटेशन। तो दोस्तों, सबसे पहला आप देखेंगे ये एलिवेशन है बिल्डिंग का, जिसमें टोटल 5 टावर है और सारे हाई राइज टावर है। और इसका जो लैंड पार्सल है वो 5.4 एकड़ का लैंड पार्सल है, जिसमें टावर नंबर 1, टावर नंबर 2, टावर नंबर 3, टावर नंबर 4 और टावर नंबर 5 है। तो इसमें से दोस्तों 2 टावर का पोजीशन दे दिया गया है, टावर नंबर 1 और टावर नंबर 2 का पोजीशन दे दिया गया है, और टावर नंबर 3, 4 एंड 5 ये अंडर कंस्ट्रक्शन में है। तो यहाँ पर दोस्तों 2 लेवल बेसमेंट पे पार्किंग होगा, ग्राउंड पे पार्किंग होगा, 3 लेवल ऑफ पोडियम पार्किंग दिया गया है और उसके ऊपर 33 हैबिटेबल फ्लोर्स है। और यहाँ पर जितने भी फ्लैट्स हैं सारे 2 BHK के फ्लैट्स हैं और हर एक बिल्डिंग में हर एक फ्लोर के ऊपर 6 फ्लैट दिया गया है और सारे 2 BHK के फ्लैट्स हैं। तो यहाँ पर जो बड़े फ्लैट है वो डेक के साथ में दिया गया है और कंपैरेटिवली उससे जो छोटा फ्लैट है वो विदाउट डेक है। तो यहाँ पर दोस्तों मास्टर प्लान में आप देखेंगे ये पूरा जो लैंड पार्सल है ये 5.4 एकड़ का लैंड पार्सल है, जिसमें आप यहाँ पर आप देखेंगे जो एमिनिटीज एरिया है वो 3 लेवल पोडियम के ऊपर दिया गया है। तो यहाँ पर सेंटर में जो आप क्लब हाउस देख रहे हैं, ये पूरा जो एमिनिटीज एरिया है ये करीबन 2 एकड़ का स्पेस है, वो प्योरली एमिनिटीज के लिए दिया गया है। तो यहाँ पर पोडियम के ऊपर एमिनिटीज है, उसके बाद कुछ एमिनिटीज आप देखेंगे यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर पर भी दिया गया है। तो आपको एक बड़ा सा क्लब हाउस पोडियम लेवल के ऊपर मिलता है, प्लस एक क्लब हाउस और एक यहाँ पर नीचे की तरफ है जो कि ग्राउंड फ्लोर पर है, और उसके साथ में मल्टीपर्पज कोर्ट दिया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों जो कल्पतरु पैरामाउंट है इसमें 5 टावर्स है, जिसमें ये 2 टावर्स का पोजिशन दे दिया गया है और टावर नंबर 3, 4 और 5 अंडर कंस्ट्रक्शन में है। तो प्रोजेक्ट दोस्तों काफ़ी प्राइम लोकेशन पर है, खापुर बावड़ी से सिर्फ 500 मीटर अंदर जाना है आपको। माजीवाड़ा जंक्शन से आपको खापुर बावड़ी जाना है और खापुर बावड़ी से आपको भिवंडी रोड के ऊपर आपको सिर्फ 500 मीटर अंदर की तरफ जाना है और लेफ्ट हैंड साइड पर ये प्रोजेक्ट लोकेटेड है। और यहाँ पर दोस्तों हर एक फ्लोर पर आप देखेंगे 6 फ्लैट है, और ऐसे बिल्डिंग में जहाँ पर आप देखेंगे ये प्रोजेक्शन बाहर आया हुआ है और इस तरफ से प्रोजेक्शन बाहर आया हुआ है प्लस इस तरफ से प्रोजेक्शन बाहर आया हुआ है, तो यहाँ पर 2 फ्लैट है, यहाँ पर 2 फ्लैट है और यहाँ पर 2 फ्लैट है। तो ऐसे बिल्डिंग्स में नॉर्मली क्रॉस वेंटिलेशन जो है वो हमेशा बढ़िया रहता है। उसके अलावा दोस्तों आप देखेंगे यहाँ से ड्राइव वे इन है, जो कि रैम्प से गाड़ी आपकी पोडियम तक पार्किंग के लिए जाएगी, और यहाँ पर आप देखेंगे ये एग्जिट गेट है। तो ये ड्राइव वे इन है और यहाँ से ड्राइव वे आउट है। और दूसरा, हर एक टावर का पोजीशन आप देखोगे एक दूसरे से काफ़ी डिस्टेंस पे हर एक टावर है, तो डिस्टेंस में होने से भी क्रॉस वेंटिलेशन बढ़िया रहता है और व्यू भी जो है वो खुला व्यू मिलता है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे ये माजीवाड़ा जंक्शन है, थाना का काफ़ी फेमस जंक्शन है। यहाँ से आपको आना है खापुर बावड़ी सर्कल की तरफ, और इस लेन से आपको आना है ओल्ड आगरा रोड की तरफ। तो जैसे ही आप 500 मीटर आगे आते हो तो राइट हैंड साइड पे प्रोजेक्ट लोकेटेड है। तो ब्लू कलर का आप जो देख रहे हैं, दिस इज कल्पतरु पैरामाउंट। तो इसका लोकेशन दोस्तों थाने काफ़ी प्राइम लोकेशन पर है। यहाँ से बाय रोड आप भिवंडी आप जा सकते हो, आप गोडबंदर रोड से आप बोरीवली की तरफ आप जा सकते हो, या साउथ मुंबई आप ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से आप जा सकते हो, या तो आप माजीवाड़ा जंक्शन से टुवर्ड्स कल्याण और नासिक की तरफ आप जा सकते हो। तो काफ़ी प्राइम लोकेशन पर ये प्रोजेक्ट है कल्पतरु पैरामाउंट। और इसका USP दोस्तों आप देखेंगे तो हॉस्पिटल्स वाइज, वैसे तो बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, जुपिटर हॉस्पिटल्स, बिठानी हॉस्पिटल्स एंड मैनी मोर। और मॉल्स में देखेंगे तो लेक सिटी मॉल, बिग बाजार, वंडर मॉल, विवानिया मॉल, कोरम मॉल, आर मॉल एंड मैनी मोर। और स्कूल्स में देखेंगे तो CP गोयनका इंटरनेशनल स्कूल, DAV पब्लिक स्कूल, सेंट जेवियर स्कूल, श्रीमती सुलक्षणा देवी सिंघानिया स्कूल एंड मनी मोर।
उसके अलावा प्रपोज्ड मेट्रो स्टेशन जो घोड़बंदर रोड से पैरेलल चलेगी और उसके बाद ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से पैरेलल चलेगी, और उसके अलावा खापुर बावड़ी से भिवंडी और भिवंडी से कल्याण भी जो है मेट्रो कनेक्ट होगा। तो सारा बेल्ट, थाना बेल्ट, कल्याण बेल्ट, भिवंडी, ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे और उसके पीछे बोरीवली वेस्टर्न साइड, तो मेट्रो जो है वो सारा टू एंड फ्रो कनेक्टेड है, जो कि बहुत जल्दी अगले साल 2 साल में सारा ही मेट्रो कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर इस प्रोजेक्ट से जो प्रपोज्ड मेट्रो स्टेशन है वो अगेन 500 मीटर की दूरी पर है, थाने रेलवे स्टेशन 5.6 किलोमीटर पर है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट 22 किलोमीटर पर है, और ईस्ट साइड में ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे 1.2 किलोमीटर, घोड़बंदर रोड अगेन 500 मीटर्स, एलबीएस मार्ग 4.2 किलोमीटर, नवी मुंबई 12 किलोमीटर, भिवंडी कल्याण जंक्शन 15 किलोमीटर, और वेस्ट साइड में अगर आप देखेंगे तो वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे 23 किलोमीटर है, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स 25 किलोमीटर है। और दूसरा डेवलपमेंट दोस्तों, यहाँ से टीकूजिनी वाड़ी के आसपास से संजय गांधी नेशनल पार्क टनल बन रहा है, जो कि वो टनल यहाँ से संजय गांधी नेशनल पार्क को क्रॉस करते हुए बोरीवली वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे को कनेक्ट होगा। तो यहाँ से इस लोकेशन से अगर आपको वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे बोरीवली तक जाना है तो मैक्सिमम आप 15 से 20 मिनट के ड्राइव पर वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पहुंच सकते हो। दूसरा, इस बेल्ट को, थाने बेल्ट को बहुत बड़ा रिंग रोड मिल रहा है जो कि अगेन इस प्रोजेक्ट के पास से गुजरेगा। तो आपको अगर एक कॉर्नर से, मान लो अगर आप कल्पतरू पैरामाउंट से अगर आप दूसरे साइड में जाना चाहते हो, पोकरान रोड में जाना चाहते हो या ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे जाना चाहते हो या डायरेक्टली आप थाना रेलवे स्टेशन आप जाना चाहते हो, तो थाने के लिए काफ़ी बड़ा सा एक रिंग रोड बन रहा है जो कि सिर्फ ये थाने एरिया के लिए रहेगा। तो उस रिंग रोड से आपको ये बार बार माजीवाड़ा जंक्शन क्रॉस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत बार यहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि ये मेन जंक्शन है। तो आप इस रिंग रोड से, आप रिंग रोड से डायरेक्ट आप थाने स्टेशन आ सकते हो, और थाने स्टेशन से अगेन बैक आप रिंग रोड से आप कल्पतरू पैरामाउंट तक जा सकते हो, और उसके बाद भी आप रिंग रोड से आप बैक साइड से घोड़बंदर रोड की तरफ आप जा सकते हो, टिकुजिनी वाड़ी की तरफ आप जा सकते हो, पोकरान रोड की तरफ आप जा सकते हो, पोकरान रोड नंबर 1 की तरफ आ सकते हो, और अगेन आप घूमकर आप थाने स्टेशन की तरफ आ सकते हो। तो रिंग रोड का अगेन इस प्रोजेक्ट को काफ़ी बड़ा बेनिफिट मिलता है। तो दोस्तों, इट्स अ परफेक्ट प्लेस फॉर द फैमिली टू स्टे। तो यहाँ पर दोस्तों प्रोजेक्ट के बाहर की तरफ कुछ रिटेल प्लाजा भी दिया गया है, तो जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो आपको बिल्कुल प्रोजेक्ट के नीचे ही मिल जाती है। वैसे तो बहुत सारे डी मार्ट्स, ईटिंग जॉइंट्स, रेस्टोरेंट्स, मॉल इस प्रोजेक्ट के आसपास में ही है। और यहाँ पर दोस्तों इस प्लान में अगर आप देखेंगे तो जैसे मैंने आपको बताया कि हर एक टावर का जो प्रोजेक्शन है वो ऐसे बाहर निकला हुआ है। तो बाहर आने से यहाँ पर 2 फ्लैट है, इस तरफ 2 फ्लैट है और इस तरफ 2 फ्लैट है, तो ऐसे फ्लैट्स में क्रॉस वेंटिलेशन जो है वो हमेशा बढ़िया रहता है। तो यहाँ पर दोस्तों एक और एक प्लान आप देखेंगे जहाँ पर ये बिल्डिंग के बीच में जो गैप्स दिया गया है इससे क्रॉस वेंटिलेशन मिलता है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे जो व्यू भी जो है हर एक फ्लैट का बाहर के तरफ है, कोई भी फ्लैट का जो व्यू है वो एक दूसरे को फेस नहीं करता है। तो यहाँ पर आपको फ्लैट्स में फ्रेंच कट विंडो दिया गया है ताकि आपको क्लियर व्यू, ब्राइट लाइट और क्रॉस वेंटिलेशन मिले। दूसरा, हर एक फ्लैट्स में आपको प्राइवेसी मिलती है, और पैसेज में भी जो मेन डोर होगा वो एक दूसरे के फ्लैट के डोर्स को देख नहीं सकेंगे, तो यहाँ तक प्राइवेसी इस प्रोजेक्ट में दिया गया है। दूसरा दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे डबल हाइटेड लॉबी एंट्रेंस दिया गया है, वेल डिजाइन, वेल प्लान्ड, विद रिसेप्शन काउंटर एंड प्लेंटी ऑफ एलईडी लाइट्स। फ्लैट में दोस्तों आप देखेंगे जो बड़े 2 BHK के फ्लैट्स है उसमें काफ़ी बड़ा सा डेक दिया गया है विद फ्रेंच कट विंडो, और आप लिविंग रूम में आप देखेंगे लार्ज साइज सोफा और वॉल माउंटिंग टीवी रखने के बावजूद आपको सफिशिएंट स्पेस मिलता है, और प्लस डाइनिंग स्पेस के लिए भी प्रॉपर स्पेस मिलता है। सो वेरी वेल डिजाइन 2 BHK फ्लैट्स। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे दिस इज ड्राइववे इन एंड ड्राइववे आउट,
with security cabin and plenty of LED lights and good decent plantation outside. और उसके बाद आप देखेंगे कुछ रिटेल प्लाजा जो है वो राइट साइड में कॉम्प्लेक्स के बाहर की तरफ दिया गया है. सो कल्पतरु इज अ ब्रांडेड डेवलपर और उनके हर एक प्रोजेक्ट जो होते हैं काफ़ी हाई राइज टावर होता है और लग्जरी सेगमेंट का प्रोजेक्ट होता है. सेकेंडली यहाँ पर यू आर स्टेइंग क्लोज टू द नेचर एज वेल एज यू आर विद द फैमिली टू. उसके अलावा दोस्तों काफ़ी बड़ा सा स्विमिंग पूल दिया गया है जो कि एडल्ट स्विमिंग पूल होगा, सराउंडेड बाय वुडन फ्लोरिंग, सन डेक. और उसके अलावा आप देखेंगे किड्स स्विमिंग पूल भी दिया गया है विद प्लेंटी ऑफ प्लांटेशन एंड एलईडी लाइट्स. तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे और एक क्लब हाउस का इमेज है जो कि ग्राउंड फ्लोर पर दिया गया है और उसके साथ में आप देखेंगे बास्केटबॉल कोर्ट है, पर दिस कोर्ट कैन बी यूज फॉर मल्टीपर्पज कोर्ट. उसके अलावा यहाँ पर लॉन्ग टेनिस कोर्ट दिया गया है, गेम्स रूम में पूल रूम होगा, किड्स प्ले एरिया, बैंक्वेट हॉल, जिमनेजियम, एरोबिक एंड योगा रूम, किक बॉक्सिंग एरिया, मार्शल आर्ट कॉर्नर्स एंड स्पिनिंग एरिया. उसके अलावा स्पा एंड मसाज रूम दिया गया है और दूसरे फीचर्स में यहाँ पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट दिया गया है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट्स टू रिचार्ज ग्राउंड वाटर टेबल, सेवेज ट्रीटमेंट प्लांट एंड सोलार वाटर हीटिंग दिया गया है. उसके अलावा दोस्तों 24/7 CCTV कैमरा दिया गया है कॉमन एरियाज में, वीडियो डोर फोन होगा और इंटरकॉम सिस्टम होगा. सेफ्टी में आपको यहाँ पर स्प्रिंकलर्स विद हीट डिटेक्टर्स दिया गया है, गैस डिटेक्टर्स इन लॉबी, फायर रेटेड डोर्स, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, प्रेशर्ड स्टेयर वेल, फायर चेक फ्लोर, फायर एलिवेटर एंड फायर शूट. उसके अलावा दोस्तों फ्लैट्स के अंदर जितने भी सीपी सैनिटरी फिटिंग्स होगा, फिक्चर्स होगा, वायरिंग, टैप्स, पेंट्स, लॉक, एवरीथिंग विल बी ऑफ ब्रांडेड क्वालिटी फिटिंग्स. क्लब में इन डिटेल अगर एमिनिटीज की बात करेंगे तो आपको वेटिंग लॉन्ज एंड कैफे दिया गया है, पार्टी हॉल विद पैंट्री, मल्टीपर्पज रूम, जिमनेजियम, स्पा एंड जाकूजी, गेम्स रूम, योगा रूम, लश लैंडस्केप गार्डन, किड्स प्ले एरिया, स्विमिंग पूल, मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स कोर्ट, पूल रूम, किक बॉक्सिंग, मार्शल आर्ट्स एंड स्पिनिंग एरिया. तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे हर एक फ्लोर पर, हर एक बिल्डिंग में 6 फ्लैट दिया गया है और सारे 2 BHK के फ्लैट्स हैं और 3 लिफ्ट होगा और 2 स्टेयरकेस दिया गया है. तो यहाँ पर दोस्तों 2 BHK में किसी एक यूनिट प्लान को हम लोग रिफर करेंगे तो 2 BHK यहाँ पर अलग अलग डायमेंशंस है. ये जो डायमेंशन आप देख रहे हैं ये 7/1 कारपेट एरिया है जिसका प्राइस शुरू होता है 1.68 CR से इंक्लूसिव ऑफ ऑल अदर चार्जेस, और इससे छोटा जो होगा वो 672 कारपेट एरिया होगा जिसका प्राइस शुरू होगा 1.49 CR इंक्लूसिव ऑफ ऑल अदर चार्जेस, और उससे छोटा 527 कारपेट एरिया है जिसका प्राइस है 1.18 CR इंक्लूसिव ऑफ ऑल अदर चार्जेस. और फाइनली दोस्तों पोजीशन 3 नंबर बिल्डिंग का जून 2025 में होगा और बिल्डिंग नंबर 5 और इसका जो पोजीशन होगा वो जून 2024 में होगा. तो दोस्तों और ज़्यादा जानकारी के लिए और बुकिंग के लिए आप मुझे फ़ोन कर सकते हो 7400138561. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस प्रेजेंटेशन. डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर टू दिस चैनल बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग. एंड सी यू अगेन विद वन मोर डेवलपर, वन मोर प्रोजेक्ट वेरी सून. बाय बाय, टेक केयर.